आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि स्टेयर का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, मींस स्टेयर की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत सिंपल से फॉर्मूले के साथ। तो कॉपी पेन ले आओ और हम आपको सिखाते हैं कि कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टेयर का। स्टेयर को डिज़ाइन करने से पहले, स्टेयर की ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, अब ये वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमें उसी हिसाब से उसका डायमेंशन रखना होगा। मींस ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं राइज़र, तो इस राइज़र की हाइट हमें कितनी रखनी है। तो जैसे हमें ये पता है कि इसको कहते हैं राइज़र, राइज़र की हाइट हम यहाँ पे रखेंगे 7 इंच। कितना रख सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं, 7 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे जो हम स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं वो 7 इंच करके कर रहे हैं। अब ये वाला जो पार्ट है जिस पे पैर रखते हैं, ये पार्ट कहलाता है ट्रेड। यहाँ पे जो ट्रेड की चौड़ाई है वो 10 इंच की है, यानी ये ट्रेड 10 इंच का है और ये जो राइज़र की हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट है 7 इंच की। यानी हम यहाँ पे सीख गए, इस पार्ट को कहते हैं राइज़र, इस पार्ट को कहते हैं ट्रेड। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है लैंडिंग। ये आप देख रहे हो, साइड से किसी भी सीढ़ी को देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी, और टॉप से देखोगे, मीन्स प्लान देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो सीढ़ी ऐसे दिखेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लैंडिंग का पार्ट है। यहाँ से स्टेयर अप हो रही है, यहाँ से अप हो रही है, तो मींस ये वाला जो पार्ट है राइज़र, जैसे ये हम कहें ये 1 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 1। ये स्टेप 1 हम इसको कह दें, तो ये वाला हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेयर को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लोर की हाइट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक, ये भी बता दे रहे हैं। जैसे कि ये प्लिंथ बीम है आपकी, बीम है या फिर प्लिंथ बीम है, इस हाइट से लेके जो स्लैब के टॉप की जो हाइट होगी वो हमें पता होना चाहिए, किसमें, इंचेस में पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 140 इंचेस लिया है, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ये हाइट ले लोगे इंचेस में। अब यहाँ पे जो फार्मूला है नंबर ऑफ राइज़र निकालने का, नंबर ऑफ राइज़र का मतलब ये हो गया, ये काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मींस कितनी राइज़र आ जाएगी हमें अगर हमें स्टेयर बनानी है इस हाइट पे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ राइज़र निकालने का फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, फ्लोर की हाइट हमें पता है, फ्लोर हाइट को डिवाइड करना है किससे, राइज़र की हाइट से। यहाँ पे फ्लोर की हाइट कितनी है, 140 इंचेस को भाग करेंगे किससे, राइज़र की हाइट कितनी है, 7। राइज़र की हाइट 7 इंच में, मतलब ये फ्लोर की हाइट भी इंच में है, राइज़र की हाइट भी इंच में है, तो हम इसको भाग कर देंगे, आ गया 20, या 20 नंबर्स आ गया। अब नंबर ऑफ़ थ्रेड निकाल लेते हैं, मेरा आ गया 20 नंबर ऑफ़ हमारा राइज़र चाहिए। पहले हम काउंटिंग में भी आपको ये दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 नंबर ऑफ़ राइज़र आ गए। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ ट्रेड, ट्रेड मीन्स ये कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये ट्रेड की अब काउंटिंग क्या करेंगे। अब ट्रेड निकालने का जो फार्मूला है, जितना भी हमारा यहाँ पे राइज़र आया था उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि ये नंबर ऑफ़ ट्रेड कितना है। ये काउंटिंग में भी हम दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19। अब ये 19 के बाद ये आ गया हमारा ये स्लैब, यानी 19 नंबर ऑफ हमारा यहाँ पे ट्रेड चाहिए। तो आप यहाँ पे सीख चुके हो कि नंबर ऑफ़ राइज़र एंड ट्रेड कैसे निकालते हैं, मींस स्टेप का कैलकुलेशन आप सीख गए होगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आपको कि ये इसकी हाइट कितनी रखेंगे लैंडिंग की, इसकी हाइट, तो इसकी हाइट हम मिड में दे देंगे। जैसे कि हमारा आया था नंबर ऑफ़ राइज़र कितना आया था, 20, तो अब क्या करेंगे, 20 का आधा कितना होता है, 10, तो 10 के बाद हम ये लैंडिंग दे देंगे। इसमें हम देखो जो ड्राइंग बनाए वैसे ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मीन्स ये 20 का आधा कितना होता है, 10, तो 10 पे हमने यहाँ पे लैंडिंग को प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 10 पे हमने हाफ़ पे इसलिए किया क्योंकि हमारी जो स्पेस है वो कम यूटिलाइज हो, ये ज़्यादा अगर हम ऊपर नीचे इस लैंडिंग को करेंगे तो और स्टेयर की जगह और ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से हमने इसको मिड में दिया।
अब इसमें एक चीज़ और आपको सीखना बाकी है कि ये स्टेयर का एरिया कितना स्क्वायर फीट का एरिया ये स्टेयर कवर करेगा, उसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ तक आपने ये सीख लिया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे, मींस राइजर और ट्रेड की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने स्क्वायर फीट की एरिया हमें चाहिए इस स्टेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसका राइजर है 20 और ट्रेड है 19। आओ देखते हैं। अब ये जो स्टेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसकी भी विड्थ हमें पता होनी चाहिए, जो इसकी जो चौड़ाई है, तो ये रखेंगे हम 3.5 फीट। 3.5 फीट कितना हो गया, 1 फीट में हमारा होता है 12 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 फीट ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 42 इंचेस। इसकी विड्थ, एक स्टेयर की विड्थ हो गई 42 इंचेस, ये साइड वाला भी 42 इंचेस। अब इसके बीच में कुछ गैप है, ये गैप 4 इंच से 6 इंच तक का हम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे रेलिंग लगाने के काम आता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ हम जो गैप है वो 6 इंच का यहाँ पे देंगे, 6 इंचेस। तो अब ये जो टोटल लेंथ कितनी हो गई इंचेस में, 42 + 6 + 42, ये कितना हो गया 90 इंचेस। 90 इंचेस इसकी चौड़ाई हो गई। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो स्टेयर की चौड़ाई हमने 3.5 फीट लिया है, तो इस लैंडिंग की भी चौड़ाई 3.5 फीट लेंगे, यानी 42 इंचेस। ये तो हो गया। अब हमें जो लेंथ पता करना है यहाँ से यहाँ तक का, अब क्या करेंगे, देखेंगे इस लैंडिंग तक कितने नंबर ऑफ ट्रेड आ रहे हैं, काउंटिंग कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या करेंगे, 9 × एक राइजर का ये जो चौड़ाई कितना है 10 इंच, यानी हो गया 90 इंच हो गया। अब 90 इंच, ये टोटल कितना हो गया 42 + 90, ये हमारा हो गया 132 इंचेस, ये हो गया। अब इसको हम फिट में बदल लेंगे, जैसे 90 इंच है तो 90 को अगर हम 12 से भाग कर दें तो वो फिट में बदल जाएगा, तो ये हो गया 7.5 फिट, ये हो गया। अब इसको भी जो 132 इंचेस आ रहा है इसको भी 12 से हम भाग कर देंगे तो ये हो गया फिट में आ गया 11, यानी 11 × 7.5 कितने स्क्वायर फिट का एरिया कवर हो गया, 82.5 स्क्वायर फिट। तो इस वीडियो में आप सीख चुके हो कि स्टेयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे स्टेप्स निकालते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको स्टेयर की डिज़ाइन बनवानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक है, वहाँ जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।